गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो जो है वो ना कोई ब्लॉग होने वाला है, ना कोई जिम टूर होने वाली है, ना कोई वर्कआउट वीडियो होने वाला है। तो आज का वीडियो बाकी की वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है। तो आज हम करने जा रहे हैं मेरे गिम्बल की अनबॉक्सिंग। तो ये जो गिम्बल है वो मुझे काफ़ी महीनों से चाहिए था, तो फाइनली आज मुझे मेरे घर वालों ने ये गिम्बल दिलवाया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आज ही मैंने ले लिया है, तो सोचा कि आपके साथ ही अनबॉक्सिंग करता हूँ इसकी। तो इस गिम्बल का नाम है DJI Osmo Mobile SE। ये अभी लेटेस्ट मॉडल है, मतलब जो पिछला वाला इसका 4SE मॉडल था उसका ये अगला वाला वर्जन है। तो यहाँ पे उसके सब डायमेंशन और बाकी की सब जो बेसिक चीज़ें होती है वो यहाँ पे लिखी हुई है, और इसके पिछले वाली साइड पे उसके सभी फंक्शंस लिखे हुए, और यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है वो लिखा है। तो अब देखते हैं कि इस पर 3-axis स्टेबलाइजेशन है, मैग्नेटिक डिज़ाइन, ये पोर्टेबल फोल्डेबल है, एक्टिव ट्रैक 5.0, पिछले वाला था उस पर शायद 3 था। तो सच कहूँ तो मुझे अब इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो अभी मैं इसे कैसे यूज़ करते हैं और इसे क्या क्या कर सकते हैं वो अभी सीखने वाला हूँ धीरे धीरे। तो ये जो गिम्बल है वो मैंने यहाँ के लोकल शॉप से ही लिया था, क्योंकि मैंने अमेज़न पे चेक किया और लोकल शॉप से भी चेक किया, प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ऑफलाइन ही ले लिया। तो अब बहुत बातें हो गई, अब इसे ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि मेरा भी है फर्स्ट टाइम मैंने गिम्बल लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके कैसे फ़ोन को अटैच करते हैं ये बताया गया है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्रिएट मैग्नेटिक मोमेंट्स। अब देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो चलिए अब इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद इसमें ये सब, इसका एक बैग है, ये एक बैग है, उसके बाद ये सिलिका जेल, ये इसका मैनुअल और सब, इस पे DJI के लॉ, कंज्यूमर लॉ वगैरह लिखे हुए हैं, उसके बाद ये इसका मैनुअल, इसको कैसे अटैच करते हैं और इसकी सेफ्टी वगैरह इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं इसको कैसे अटैच करना होता है। उसके बाद आता है ये क्या है मुझे अभी पता नहीं है, ये एक ट्राइपॉड है, ये हो गया एक ट्राइपॉड। उसके बाद ये इसकी केबल, चार्जिंग केबल, ये फोन का क्लैंप है,
इसे फोन के पीछे अटैच किया जाता है। उसके बाद ये इसका मेन पार्ट, ये इसका मेन पार्ट, ये जो है वो इसको अटैच होता है और फिर एक क्लैंप जो है वो फोन पे लगता है। ये अभी शायद चार्जिंग, इसका चार्जिंग शायद ख़त्म हो गया है, इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो अब इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, फिर बाद में मैं आपको इसका एक डेमो दिखाऊंगा। तो गाइस अभी हमारा गिम्बल चार्ज हो चुका है, तो अभी इसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एम बटन है वो मोड का है और उसे दो बार दबाने से ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता है। ये रिकॉर्डिंग का बटन है और इसे फ़ोटो भी खींच सकते हैं। तो ये जो बटन है वो आपके फ़ोन को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप या फिर लैंडस्केप से पोर्ट्रेट बना सकता है। ये इसकी जॉयस्टिक है, इससे आप फ़ोन को टर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बटन है इससे आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये DJI की ऐप होती है, इससे जाके आपको अंदर डिवाइस में से ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये DJI का कैमरा ओपन हो चुका है। ये इनका थर्ड पार्टी कैमरा है, लेकिन आप अपने फ़ोन का भी कैमरा यूज़ कर सकते हैं। तो ये मोड का बटन है और इसके चार टाइप्स के मोड है, लेकिन मुझे अभी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसकी। ये जो बटन है इससे आप फ़ोटो खींच सकते हैं, इससे आप गिम्बल को टर्न कर सकते हैं, इस बटन से आप लैंडस्केप से पोर्ट्रेट मोड पे जा सकते हैं। ये जॉयस्टिक है, इससे गिम्बल टर्न करता है। और इसके पीछे और एक बटन है, ये आपके गिम्बल को लॉक करता है, मतलब एक बार दबाने से आपका फ़ोन स्टेबल रहता है। तो कमेंट्स में बताना वीडियो कैसा लगा, ये गिम्बल कैसा लगा। तो वीडियो को करते यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं अगले वीडियो में।